जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग को पता है, अयोध्या में भव्य तैयारियां हो रही हैं राम मंदिर के लिए। और आपको बता दें कि आज 14 जनवरी से आज से लेकर 22 जनवरी तक यहां पर कार्यक्रम होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ से शुरू होगा अमृत महोत्सव, आप लोग देख सकते हैं। यहीं से एंट्री किया जाएगा अंदर के लिए। और आपको बता दें कि इसके अंदर जाने के लिए पास की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट को कितना अच्छे तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर राम भद्राचार्य जी आ चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर उनके देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस है, फिर भी लोग यहाँ पर उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह से कोई सोच रहा है कि हम किसी तरह से राम भद्राचार्य जी को देख लें। मैंने फिर भी उनका दर्शन हो गया है। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव इसलिए यहाँ पर हो रहा है, राम भद्राचार्य जी का आज 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और यहाँ पर झांकियाँ निकाली गई थी, जो देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य, जिसमें राम सीता जी और पीछे कलश है। आपको शोभा यात्रा इसमें निकाला गया था। और यहाँ पर राम मंदिर का जो मंडप है वो क्या ही बताएं, इतना भव्य इतना सुंदर देखने में लग रहा है और बहुत ही बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं इसकी ऊँचाई 60 से 70 फीट, और बाहर से देखने पर अत्यंत सुंदर लग रहा है। एक बार आप लोग देख सकते हैं बाहर से कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर आई हैं हेमा मालिनी जी और मालिनी अवस्थी जी आ चुकी हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ पर राम भद्राचार्य जी उसके बाद आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यानी कि बहुत जो मंडप है बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाई देगा कि राम भद्राचार्य जी यहाँ पर कथा कह रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारा भी लोग आए हैं यहाँ पर राम भद्राचार्य जी को देखने। और जितने भी लोग यहाँ पर भाग लिए हैं, जो हवन होने वाला है इसमें बहुत सारे लोग भाग लिए हैं। 1000 हवन कुंड है उनको, जो जिसमें हवन करने के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एक पार्ट में पूरी जो यहाँ पर व्यवस्था है उसको एक वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक और पार्ट वीडियो का आएगा, तो उसमें और व्यवस्था जिसमें कि हवन कुंड में क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं उसमें देखते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय श्री राम।